hello students i am nidhi bhat your science teacher today we will continue chapter number 6 life process in previous video we had discussed about parts of human circulatory system we have discussed about blood and its component we have discussed about blood vessels arteries veins and capillaries and we have discussed about structure of heart and today we will start पार्ट नंबर एट ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन मींस हार्ट के अंदर जो फोर चैम्बर्स हैं उनमें ब्लड का सर्कुलेशन किस तरह से होता है और कैसे बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड किया जाता है इसको हम डिस्कस करेंगे सो लेट स्टार्ट ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम राइट तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा वी हैव डिस्कस अर्लियर ह्यूमन हार्ट हैज फोर चैम्बर अपर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड ऑरिकल और ऑट्रियम एंड लोअर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल तो जो लेफ्ट पार्ट में होते हैं ये मेरा लेफ्ट पार्ट है इट मीन हर्ट का यहाँ लेफ्ट पार्ट होगा तो अपर जो लेफ्ट पार्ट होगा उसको हम लेफ्ट ऑट्रियम या ऑरिकल कहेंगे राइट पार्ट में क्या कहेंगे राइट ऑरिकल ओके स्टूडेंट इसी तरह लोअर जो चैम्बर्स हैं उनमें लेफ्ट में हम कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट साइड में राइट वेंट्रिकल तो ये हमारे फोर चैंबर्स थे जो आपको याद रखने हैं ठीक है ताकि हम इस फ्लो को समझ पाए ओके स्टूडेंट सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम राइट ऑरिकल सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइट right के डिस्कस तो right है, है? Okay, तो किया, तो किया था कि ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करके ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाता है और वहां पर उस ऑक्सीजन को यूज करके सेल्युलर रेस्पिरेशन होता है एनर्जी का फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है यह कार्बन डाइऑक्साइड आप कहां मिक्स होगी ब्लड में ठीक है और हर ऑर्गन से वेन्स इसको कैरी करके लाएंगी तो ये एक बात याद रखेंगे हमारी बॉडी में क्योंकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है तो हर ऑर्गन तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रोवाइड कराने के लिए कैरी करने के लिए एक आर्टरी होती है उससे रिलेटेड और जब वो सेलुलर एस्परेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड या मैं कहूँ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको कैरी करके लाने के लिए एक वेन होती है ठीक है स्टूडेंट तो हर ऑर्गन से एक एक वेन अराइज हो

कावा ठीक है तो ये एक बिग वेन में मिल जाती है उसको हम कहते हैं वेना कावा जो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट वेन है ठीक है सो देर आर टू वेना कावा सुपीरियर एंड

मैंने कहा कि एंड थर्ड वन इज कोरोनरी साइनस अभी कोरोनरी साइनस क्या है स्टूडेंट हार्ट खुद भी एक ऑर्गन है तो हार्ट की जो मसल्स हैं वो भी सेलुलर रेस्पिरेशन कर रही हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही हैं इट मींस वहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फॉर्मेशन होगा तो हार्ट की मसल से हार्ट की वॉल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके राइट right ओरिकल में एक कप लाइक ओपनिंग में पोर कर दिया जाता है दैट इज कॉल्ड कोरोनरी साइनस तो तीन ओपनिंग हो गई इन्फीरियर वेना कावा सुपीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस तो देखेंगे स्टूडेंट राइट ऑरिकल हैिकल में होती है सुपीरियर वेना कावा ब्रिंग द डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ अवर बॉडी क्या कर रही है सुपीरियर वेना कावा जो अपर पार्ट है हमारी बॉडी के चेस्ट से जो अपर वाला रीजन है वहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करके कहाँ ला रही है हमारे राइट right

मसल्स हार्ट की खुद की मसल से जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कैरी करके कहाँ आ जाता है कोरोनरी साइनस में आ जाता है ओके okay, स्टूडेंट student. तो स्टूडेंट्स हमारा जो राइट right औरकल है वो एक्सपेंड होता है और इस ब्लड को कलेक्ट कर लेता है मैंने आपको बताया था वन बाय वन ये जो चैम्बर्स हैं हार्ट के ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं तो जब भी ब्लड को कलेक्ट करेगा कोई चैम्बर तो वह एक्सपेंड होगा और वी कैन से वो रिलैक्स होगा या डायलेट्स होगा ठीक है कोई भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं ठीक है ठीके? आप ये सारा इम्प्योर या मैं कहूँ डीऑक्सीनेटेड ब्लड और मैं कह सकती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड एक ही बात है ये ब्लड कहाँ आ गया हमारा राइट ऑरिकल में ओके okay, स्टूडेंट राइट ऑरिकल के नीचे क्या प्रेजेंट है राइट वेंट्रिकल ठीक है जो हार्ट का प्रॉपर डायग्राम है वो अभी हम डिस्कस करेंगे एक मैं स्केमेटिक डायग्राम आपको समझाने के लिए बना रही हूँ तो देखेंगे स्टूडेंट्स तो सपोज ये हमारे हार्ट के फोर चैंबर्स हैं इट इज राइट ऑरिकल इट इज लेफ्ट ऑरिकल ठीक है ओरिकल ओके इट इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड इट इज राइट वेंट्रिकल ठीक है तो मैंने आपको बताया सारा जो डी ब्लड था वो थ्री ओपनिंग इन्फीरियर वेना कावा सुपीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस तीनों ओपनिंग यहाँ ओपन हो रही है और ये सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ आ गया हमारे राइट ऑट्रियम में आ गया और ये एक्सपैंड होता है और सारे ब्लड को कलेक्ट कर लेता है अब क्या होगा ये कॉन्ट्रैक्ट होगा इट गेट कॉन्ट्रैक्टेड और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा जो सारा ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा राइट right वेंट्रिकल में चला जाएगा बट यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट है ठीक है इस तरह का दैट इज कॉल्ड ट्राई कस्पिड वॉल्व ट्राई मीन थ्री एंड कस्प लाइक स्ट्रक्चर होती है इसलिए इसको ट्राई कस्पिड वॉल्व कहते हैं ये वॉल्व ओपन हो जाता है जैसे ही राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा इस पर प्रेशर पड़ेगा और ये वॉल्व ओपन हो जाएगा और सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा स्टूडेंट राइट वेंट्रिकल में और क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था तो यहाँ भी क्या होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा राइट वेंट्रिकल एक्सपेंड होगा और इस सारे ब्लड को कलेक्ट कर लेगा लेकिन राइट right ऑट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड तभी जाएगा जब ट्राई कस्पिड वॉल्व ओपन होगा ओके स्टूडेंट्स सो राइट ऑरिकल एक्सपेंड एंड रिसीव ब्लड फ्रॉम वेना कावा एक दैन कॉन्ट्रैक्ट वेना कावा और कोरोनरी साइनस से सारा ब्लड राइट ऑरिकल aur में आ गया पहले क्योंकि वो एक्सपेंड हुआ था और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट होगा ठीक है फ्रॉम राइट ऑरिकल ब्लड गोज इन राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राई कस्पेड वॉल्व तो राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ गया राइट वेंट्रिकल में और किसके थ्रू गया ट्राई वाल्व वॉल्व का नाम आपको याद रखना okay, है और सारे ब्लड को कलेक्ट कर लेगा ओके okay, स्टूडेंट्स तो देखेंगे इस तरह के हमारे हर्ट के हमने स्ट्रक्चर डिस्कस की थी स्टूडेंट ये हमारा राइट पार्ट है इट इज राइट ऑट्रियम एंड इट इज राइट वेंट्रिकल ठीक है तो देखेंगे राइट ऑट्रियम में यहाँ थ्री ओपनिंग दिखा रखी है वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी ठीक है और साइनस की ओपनिंग ओपनिंग भी दिखा थ्री है, है और सारा ब्लड कहाँ आ गया हमारा राइट right ऑरिकल में आ गया ठीक है अब क्या होगा यहाँ पे जो ये वॉल्व है दैट इज स्ट्राइक स्पीड वॉल्व ये ओपन होगा राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा और सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा स्टूडेंट्स हमारे राइट right वेंट्रिकल में चला जाएगा ये एक्सपेंड होकर इस ब्लड को कलेक्ट कर लेगा ठीक है स्टूडेंट अब क्या होगा फर्दर ये जो वॉल्व है ये क्लोज हो जाएगा ताकि ब्लड का बैक फ्लो नहीं हो वापस से ब्लड हमारे ऑरिकल में नहीं जा सकता वेंट्रिकल से ठीक है अब वेंट्रिकल से क्या होगा वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रेक्ट होंगे और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने पर यहाँ जो नीचे एक और वॉल्व है दैट इज सेमिल्यूनर वॉल्व मैंने आपको बताया था कि वेंट्रिकल से जो वॉल्व ओपन होता है दैट इज सेमिल्यूनर वॉल्व तो ये जो हमारा राइट right साइड में जो वॉल्व है दैट इज पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व ठीक है और यहाँ से अराइज होती है पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वर्ड जैसे ही आप सुनेंगे इट मीन्स वो किससे रिलेटेड है लंग्स से इट मीन्स पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी इस डी ब्लड को ये इस तरह से दिखा रखिए ये हमारे राइट right वेंट्रिकल से निकल रही है और ये पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को कैरी करके लेके जाएगी लंग्स में ठीक है लेफ्ट लंग में या आगे जाके टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगी एक लेफ्ट लंग में जाएगी एक राइट right लंग्स ओके okay, स्टूडेंट और सारा डी ब्लड कहां चला जाएगा लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन ओके स्टूडेंट तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था एवरी आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी ठीक है पल्मोनरी आर्टरी के अलावा सभी आर्ट्रीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है बट ये एक एक्सेप्शन है तो देखेंगे राइट वेंट्रिकल में हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही तो था और उसी को यह कैरी करके ले जा रही है ठीक है और कहाँ लेके जा रही है लंग्स में ठीक है अब लंग्स में क्या होगा जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की है रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू वो लंग्स में फिल हो गई है एल्वियोलाई में ठीक है एल्वियोलाई से वो सारी ऑक्सीजन ब्लड में चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ डाल दी जाएगी हमारे एल्वियोलाई में और उसको बॉडी से बाहर एक्सेल कर दिया जाएगा जो कि हम रेस्पिरेशन में डिस्कस कर चुके हैं ठीक है यहाँ पे हमें उसे दोबारा से मेंशन करने की जरूरत नहीं आपको सिर्फ इतना बताना है कि लंग्स में जाके ब्लड का क्या हो गया ऑक्सीजिनेशन हो गया मींस कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई और उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई तो ब्लड क्या हो गया ऑक्सीजिनेटेड हो गया ठीक है तो ये थी हमारी राइट पार्ट की सारी स्टोरी ठीक है अब ये ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड हो गया ये फर्दर कहाँ आएगा हमारे हार्ट में आएगा बट अब ये कौन से पार्ट में आएगा लेफ्ट पार्ट में ठीक है तो जो ऑक्सीजनेटेड या प्योर या ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो कौन से पार्ट में आता है लेफ्ट पार्ट में आता है तो जो लंग्स से आने वाली पल्मोनरी वेन्स हैं ये एक एक ओनली ऐसी वेंस हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं ये इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके आएंगे स्टूडेंट लेफ्ट ऑट्रियम में ठीक है ऑरिकल भी कह सकते हैं ऑट्रियम भी कह सकते हैं ठीक है ठीके? तो स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखेंगे ये जो हमारा सेप्टम है ये इस राइट right पार्ट और लेफ्ट पार्ट को पूरी तरह सेपरेट रखता है ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजेटेड ब्लड मिक्स नहीं होते हैं कभी भी ओके okay, स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है ऐसा नहीं है कि जब मैं आपको साइकिल स्टार्ट करके बता रही थी कि राइट ऑरिकल में ब्लड आ रहा है तब ये हमारा लेफ्ट ऑट्रियम ब्लैंक था खाली था ऐसा नहीं है क्योंकि हम साइकिल को डिस्कस कर रहे हैं तो हम एक एक करके ही चैंबर को डिस्कस कर सकते हैं बट जब ये राइट पार्ट में ब्लड की फ्लोइंग हो रही थी तो उसी तरह लेफ्ट पार्ट में भी लंग्स से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था ठीक है तो ऑट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं दोनों और वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं

लेफ्ट वेंट्रिकल में ये एक्सपेंड होगा रिलैक्स होगा और सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कलेक्ट कर लेगा और जैसे ही ब्लड सारा आ जाएगा ये वॉल्व फर्दर क्लोज हो जाएगा क्लोज क्यों हो जाएगा ताकि ब्लड का बैक फ्लो नहीं हो वॉल्व का यही काम है कि वो ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं ओके स्टूडेंट अब ब्लड कहाँ आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में ठीक है अब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होकर ब्लड को कलेक्ट कर चुका है अब क्या होगा ये कॉन्ट्रैक्ट होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारे यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल और जो आउटा इससे अराइज हो रही है इस तरह से ये निकल के आ रही है आउटा, ठीक है बैक साइड से अराइज कहां से हो रही है लेफ्ट वेंट्रिकल से ठीक है ये सबसे बिगेस्ट आर्टरी है हमारे जो बॉडी है उसकी ठीक है तो ब्लड कहाँ जाएगा ओटा में जाएगा लेकिन ओटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल्व प्रेजेंट है दैट इज सेमी सेमील्यूनर वॉल्व और वी कैन से ओटिक वॉल्व आप ये नाम भी लर्न कर सकते हैं ओके स्टूडेंट तो जैसे ही वो वॉल्व ओपन हुआ सारा ब्लड कहाँ जाएगा हमारी ओटा में जाएगा जो कि बिगेस्ट आर्टरी है हमारी बॉडी की और ओटा सारे ऑक्सीनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स तक सप्लाई uh, करेगा कैसे करेगा ये ओटा डिवाइडेड हो जाएगी फर्दर छोटी छोटी अलग अलग आर्टरीज़ में और हर ऑर्गन तक कोई ना कोई आर्ट्री इस ब्लड को कैरी करके लेके जाएगी ओके स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है डायग्राम में भी आपको दिख रहा है कि जो वेंट्रिकल्स की वॉल्स होती हैं वो थोड़ी सी थिकर होती है देन ऑट्रियम क्योंकि ऑट्रियम का, का काम क्या है ब्लड को रिसीव करना है ठीक है तो उनको इतना ज़्यादा उसको पुश नहीं करना पड़ता ऑट्रीय से जो ब्लड है वो सिर्फ उसके लोअर चैम्बर में ही जाता है तो उसको इतना ज़्यादा उसे पुश नहीं करना पड़ता बट वेंट्रिकल्स को ब्लड पूरी फर्दर बॉडी में जो लेफ़्ट वेंटिकल है पूरी बॉडी में सप्लाई करेगा तो बहुत ज़्यादा प्रेशर उसको ब्लड पे देना पड़ता है और इसी तरह राइट वेंटिकल से भी ब्लड लंग्स में जाएगा तो यानी कि इनको ज़्यादा वर्क करना है तो इनकी मसल्स थोड़ी पावरफुल होनी चाहिए तो ये वेंटिकल्स की वॉल्व कैसी होती है हमेशा थिकर होती है दैन ऑट्रियम ओके स्टूडेंट तो ब्लड हमारा कहाँ गया ओटा में आउट फर्दर डिवाइडेज हो जाएगी कई सारी आर्टरीज में और हर ऑर्गन तक कोई ना कोई आर्टरी इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके ले जाएगी वहाँ पे क्या होगा ऑक्सीजन जब बिल्कुल सेल्स के बिल्कुल पास जब वो आर्टरीज पहुँच जाएंगी कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाएंगी तो कैपिलरीज से ऑक्सीजन सेल्स ले लेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लड में मिक्स कर देंगी ब्लड कैसा हो जाएगा डी और वापस से वेना कावा उसको कलेक्ट करके कहाँ ले आएगी राइट में। तो इस तरह से ये पूरा सर्किल चलता रहता है ओके स्टूडेंट्स तो एक बार आपने डायग्रामेटिकली समझ लिया है अब हम इसको थ्योरेटिकली एक एक पार्ट को देख लेंगे ठीक है हमने राइट ऑरिकल को डिस्कस कर लिया ऑलरेडी देन वी डिस्कस राइट

ट्राई स्पेड वॉल्व ओपन होने के कारण कहां आ गया हमारे राइट वेंट्रिकल में आ गया ओके okay स्टूडेंट राइट राइट वेंट्रिकल वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट अब right भी कॉन्ट्रैक्ट होगा लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा हमारा ट्राई कस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाएगा क्लोज नहीं होता तो ऐसा हो सकता था वेंट्रिकल से वापस ब्लड सेल में चला जाए लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है तो क्या है यहाँ पे पूरा सिस्टमेटिक है सारा काम हमारा जो ट्राई कस्पिड वॉल्व है वो क्लोज हो जाएगा पहले ही ठीक है अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ब्लड पे प्रेशर तो पड़ रहा है ना तो ब्लड कहाँ जाएगा जो नीचे वाला वॉल्व है वो ओपन होगा दैट इज पल्मी सेमिलर वॉल्व सो पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू दंग्स थ्रू पलमोनरी आर्टरी फॉर ऑक्सीजनेशन ठीक है और जैसे ही पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन हुआ सारा डिऑक्सीटेड ब्लड कहाँ गया पल्मोनरी आर्टरी आर्टरी जो कि हार्ट से किसी भी ऑर्गन तक ब्लड को पहुंचाती है ब्लड वेसल्स होती है तो पल्मोनरी आर्टरी मीन्स जो लंग्स तक ब्लड को कैरी करेंगी और ये ब्लड कैसा है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्योंकि ये एक ऐसी ओनली एक ही आर्टरी है जो कि डिऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है ओके okay, स्टूडेंट तो ब्लड कहाँ चला गया लंग्स में चला गया फॉर ऑक्सीजनेशन वहां क्या होगा इसका ऑक्सीजनेशन होगा ओके दैन ब्लड गोज इन लेफ्ट ऑरिकल ठीक है लंग्स में गया लंग्स से कहाँ आएगा वो लेफ्ट ऑरिकल में आएगा थ्रू पल्मोनरी फेन ओके सो फ्रॉम लंग्स ऑक्सीजनेटेड अब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया है पहले डी था लंग्स में जाके कैसा हो गया ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन इन टू लेफ्ट ऑरिकल आएगा लेफ्ट ऑरिकल में और वो भी एक्सपेंड कहा करके इस सारे ब्लड को कलेक्ट कर लेगा लेफ्ट ऑरिकल रिलैक्स वैन इट इज कलेक्टिंग ब्लड जब वो ब्लड को कलेक्ट कर रहा है तो वो कैसी पोजिशन में है वो रिलैक्स पोजिशन में ओके okay? एक कॉन्ट्रैक्ट अब ये क्या होगा रिलैक्स हुआ है उसके बाद क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा वाइल द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसका जो लोअर चैंबर है वेंट्रिकल वो रिलैक्स हो रहा है और जो बीच में जो वॉल्व है बाइकस्पिड और माइट्रल वॉल्व वो ओपन हो रहा है ठीक है एंड द ब्लड ट्रांसफर टू लेफ्ट वेंट्रिकल वाया बाइकस्पिड वॉल्व और माइट्रल वॉल्व ओके स्टूडेंट तो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला गया हमारे लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया ओके स्टूडेंट नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक है जो हमारा लेफ्ट साइड का लोअर चैम्बर है ठीक है उसने सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर लिया है लेफ्ट ऑरिकल से और जो माइट्रल वॉल्व है वो क्लोज हो चुका है ठीक है अब क्या होगा ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा और जो आओटिक फेमिल्यूनर वॉल्व है वो ओपन हो जाएगा प्रेशर से ठीक है और सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत ही हाई प्रेशर से कहाँ चला जाएगा जो बिगेस्ट आर्टरी है ओटा उसके अंदर चला जाएगा सो ब्लड लीव्स द लेफ्ट वेंट्रिकल बाय द लार्ज मेन आर्टरी ऑफ द बॉडी कॉल्ड अओटा तो लेफ्ट वेंटिकल से ब्लड लीव होकर कहाँ चला गया अओटा में चला गया जो हमारी बॉडी की बिगेस्ट आर्टरी है द ओपनिंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इन टू इज गार्डेड बाय एन अओटिक फैमिल्यूनर वॉल्व और यहाँ पे कौन सा वॉल्व प्रेजेंट है ओटिक सेमिल्यूनर वॉल्व ओके स्टूडेंट तो जो वेंटिकल से जो वॉल्व ओपन होते हैं मैंने बताया था वो सेमी सेमिल्यूनर होते हैं सेमी मीन्स हाफ ल्यूनर मीन्स मून तो हाफ मून शेप के वॉल्व होते हैं इसलिए इनको एक नाम नेम गिवन है जो राइट right साइड में है वो लंग्स में लेके जाता है ब्लड इसलिए उसे पल्मोनरी सेमी सेमिल्यूनर वॉल्व कहते हैं और यहाँ से ब्लड ओटा में जा रहा है इसलिए से सेमी सेमिल्यूनर वॉल्व कहते हैं ओके okay, स्टूडेंट आप ओटिक वॉल्व भी इसको बोल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके स्टूडेंट अब आउटा में सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया और वो बहुत हाई प्रेशर पे होता है ठीक है आउटा डिवाइडेड होती है फर्दर बहुत सारी आर्टरीज में और सभी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे ओके स्टूडेंट सो अ पेयर ऑफ कोरोनरी आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स अब मैंने आपको बताया था कि हार्ट मसल्स से इसको ब्लड को कैरी करके लाया जा रहा है तो इसका मतलब हार्ट की मसल्स तक भी तो ब्लड सप्लाई करना है तो एक आउटा के अलावा कोरोनरी आर्टरीज और ओरिजिनेट होती हैं वो क्या करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की मसल्स को सप्लाई करती हैं क्योंकि हार्ट की मसल्स को भी रेगुलर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होते हैं तभी तो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं बार बार एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए तो एनर्जी चाहिए उनकी सेल्स को भी इसलिए उन्हें भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ तक ब्लड कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाएगी कोरोनरी

कावा में और वेना कावा से फर्दर वो हमारे राइट औरल में आ जाएगा तो ऐसे पूरा एक साइकिल कंप्लीट होगा ओके स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स इसको एक बार मैं समराइज कर रही हूँ इस फ्लो चार्ट के थ्रू आपके दिमाग में ये फ्लो चार्ट ये थ्योरी ये पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए तो आपकी आप एग्जाम में ये पूरा स्केमेटिक डायग्राम अगर आपके दिमाग में क्लियर होगा तो आप इसको लिख सकेंगे ओके स्टूडेंट सो स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया सबसे पहले जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था फ्रॉम बॉडी डिफरेंट पार्ट से वेना कावा उसको कैरी करके ला रही है और वो कहाँ आ रहा है सबसे पहले हमारे राइट right ऑट्रियम में और वो रिलैक्स पोजिशन में है जबकि वो इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर लेता है ओके स्टूडेंट्स दैन इट गेट कॉन्ट्रैक्ट राइट ऑट्रियम क्या होगा उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होगा और राइट right ऑट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट होते ही सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा हमारे राइट right वेंट्रिकल में और यहाँ पे एक वॉल प्रेजेंट है दैट इज ट्राई कस्पेड वॉल ओके okay? तो उसके थ्रू मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ ट्राई कॉस्पिट वॉल्व उसके थ्रू सारा ब्लड राइट और ट्रेम से राइट वेंट्रिकल में चला गया और वो रिलैक्स होकर के इसको कलेक्ट कर लेता है ओके okay, स्टूडेंट यहाँ पे ये वॉल्व क्लोज हो जाता है इसके बाद क्या होता है अब राइट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसके कॉन्ट्रैक्ट होने से पल्मोनरी सेमी सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन होगा कौन सा वॉल्व ओपन होगा यहाँ पल्मोनरी सेमी सेमिल्यूनर और उसके ओपन के होने का, के कारण जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ चला जाएगा लंग्स में चला जाएगा ठीक है लंग्स में क्या होगा इस ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा इट कन्वर्टेड इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी क्या बन गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां आएगा हमारे लेफ्ट ऑट्रियम में यहां पे कौन सी आर्टरी लेके गई थी पल्मोनरी आर्टरी ठीक है टी थी, ठीक है और यहां पे कौन सी वेन लेके आ रही है लेफ्ट ऑट्रियम में पल्मोनरी वेन ओके okay, स्टूडेंट पल्मोनरी वेन से ये आ गया लेफ्ट ऑट्रियम में वो रिलैक्स पोजिशन में इस पूरे ब्लड को कलेक्ट कर लेगा अब क्या होगा ये इट गैट कॉन्ट्रैक्ट्स ये कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा बाइक स्पिड या माइट्रल वॉल्व ओपन हो जाएगा और बाइक स्पिड वॉल्व जैसे ही ओपन होगा ये ब्लड कहाँ चला जाएगा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जो रिलैक्स पोजिशन में सारे ब्लड को कलेक्ट कर लेगा आप क्या होगा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा और इसी टाइम में ये वॉल्व वापस से क्लोज हो जाएगा ताकि ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस बैक नहीं जा पाए ठीक है थीके? तो अब प्रेशर पड़ रहा है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ब्लड को कहीं तो जाना पड़ेगा वो वापस से लेफ्ट ऑट्री में तो जा नहीं सकता क्योंकि वहाँ का तो हमने पैसेज बंद कर दिया है तो ये कहाँ जाएगा ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने से ये चला जाएगा हमारी ओटा में और यहाँ पे जो वॉल्व होगा दैट इज ऑटिक सेमिल्यूनर वॉल्व वो वॉल्व ओपन होगा और लेफ्ट वेंटिकल से सारा ब्लड कहाँ चला गया हमारी ओटा में चला गया ओटा से हमारे सभी बॉडी पार्ट्स में ये चला जाएगा और बॉडी पार्ट से फिर फर्दर कलेक्ट होगा वेना कावा के थ्रू और वापस से राइट और ट्रिम में चला जाएगा और नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो ये पूरा हमारा एक साइकिल था ओके स्टूडेंट एंड इट इज कंप्लीट थ्योरी अबाउट ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ओके स्टूडेंट एंड ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग ओके स्टूडेंट अब स्टूडेंट्स एक चीज़ नोटिस करने की है कि ये पूरा जो हमने एक साइकिल डिस्कस किया इसमें ब्लड टू टाइम्स हार्ट में आता है ठीक है फर्स्ट हमने देखा राइट right पार्ट में आ रहा था राइट right ऑट्रियम में ठीक है उसके बाद ये अभी हार्ट में ही है यहाँ तक उसके बाद लंग्स में गया और लंग्स से फिर फर्दर आया लेफ्ट पार्ट में यानी दो बार ये आया है हार्ट में इसकी एंट्री दो बार हुई है हार्ट में ठीक है एक पूरे साइकिल में ब्लड टू टाइम्स हर्ट में एंट्री करता है इसीलिए ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम को या सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहते हैं ओके स्टूडेंट सो वॉट इज डबल सर्कुलेशन इन डबल सर्कुलेशन द ब्लड पास ट्वाइस थ्रू द हर्ट टू सप्लाई वंस इन द बॉडी एक बार बॉडी में सप्लाई होने के लिए मीन एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ब्लड हार्ट में टू टाइम्स पास होता है सो so समझेंगे okay? तो स्टूडेंट so हम तो ये हमारा हार्ट है इट हैज फोर चैम्बर्स अपर टू चैम्बर्स ऑरिकल लोअर टू चैम्बर मिनट्रिकल ठीक है तो स्टूडेंट हमने देखा था वेना कावा के थ्रू जो पहले फॉर्डी पार्ट्स हैं उनसे वेन्स डी ब्लड को कैरी करती है और वो किस में ज्वाइन हो जाती है कावा में एंड थ्रू वेना कावा ऑल डी ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स कम्स इन टू राइट ओरिकल कहाँ आ जाता है वो राइट right ओरिकल में ओके स्टूडेंट राइट ओरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है इस ब्लड को कलेक्ट करता है तब वो एक्सपेंड होता है उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ पे ट्राई कस्पिट वॉल्व ओपन हो जाता है एंड ब्लड गोज इन टू राइट वेंट्रिकल, ब्लड कहाँ चला जाता है हमारे राइट right वेंट्रिकल में ओके स्टूडेंट राइट वेंट्रिकल फर्दर कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो हमारा सेमिल्यूनर वॉल्व है पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व वो ओपन होता है और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये सब सारा ब्लड कहाँ चला जाता है हमारे लंग्स में थ्रू पल्मोनरी आर्टरी फॉर ऑक्सीजनेशन यहाँ क्या ब्लड होगा ब्लड का ऑक्सीजनेशन तो, तो जो सारा डीऑक्सीजेटेड ब्लड था उसमें जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो एलवेलाई में चली जाएगी और एलवेलाई से ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाएगी गैस का एक्सचेंज हो जाएगा और ब्लड क्या हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ठीक है तो रेड कलर से हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो किया अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पलमोनरी वेन के थ्रू फ्रॉम लंग्स इट गोज इन टू हर्ट हर्ट के ये लेफ्ट

वेंट्रिकल में चला गया ओके स्टूडेंट लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा और माइट्रल वॉल्व इस टाइम क्लोज हो जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा एंड ओटिक वॉल्व ओपन हो जाएगा और सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओटा के थ्रू कहाँ जाएगा बॉडी में तो डिफरेंट आर्ट्रीज डिवाइड हो जाएंगे ओटा से जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेंगे तो होगा क्या जब ये आर्टरी बिल्कुल सेल्स के बिल्कुल नियर होंगी तो ये कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएंगी कैपिलरीज बहुत थिन वॉल्ड की होती है तो वहाँ से गैस एक्सचेंज ईजीली हो जाता है तो क्या होगा जो कैपिलरीज हैं इन बॉडी ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम द लंग्स लंग्स के अलावा जो बाकी सभी पार्ट्स हैं वहाँ पर जो कैपिलरीज है उनमें ये ब्लड फिल हो गया और इन कैपिलरीज से जो भी ऑक्सीजन है वो कहाँ चली जाएगी सेल्स में चली जाएगी फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन ठीक है सेलुलर रेस्पिरेशन होगा ऑक्सीजन यूज होगी और क्या प्रोड्यूस होगी एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स से कहाँ आ जाएगी ब्लड में आ जाएगी और ब्लड वापस से क्या हो जाएगा डीऑक्सीजिनेटेड इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ईच ऑर्गन से कोई ना कोई वेन अराइज होगी वो कैरी करके लाएंगी और उसको कहाँ ज्वाइन हो जाएंगी वो वेना कावा में और सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस से वेना कावा और फिर हार्ट के राइट right औरकल में आ गया ये हम डिस्कस कर चुके हैं नाउ वॉट इज द न्यू थिंग क्या देखना है आपको इस सर्कुलेशन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं तो जो अपर पार्ट है इट इज़ पल्मोनरी सर्कुलेशन जिसमें हार्ट से जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया और लंग्स से फिर हार्ट में आया इस पार्ट को मैं कहती हूँ पल्मोनरी सर्कुलेशन हार्ट से लंग्स में देन लंग्स से अगेन हार्ट में इट इज़ कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन और जो सेकंड है जहां हमने लेफ्ट वेंट्रिकल से देखा ये आउटा है ब्लड को ले जा रही है बॉडी में और बॉडी से फिर वेन्स वेना कावा के थ्रू ये वापस हार्ट में आ रहा है मीनस हार्ट से बॉडी एंड बॉडी से देन अगेन हार्ट में इट इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन तो डबल सर्कुलेशन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं डेट इज पल्मोनरी एंड सिस्टामिक सर्कुलेशन तो देखेंगे फर्स्ट इज सिस्टामिक सर्कुलेशन इन दिस ब्लड कंप्लीट इट सर्कुलेशन फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द राइट ऑरिकल थ्रू द बॉडी ऑर्गन तो देखेंगे स्टूडेंट्स अगर मैं आपको इस तरह से स्कैमेटिक डाइग्राम बनाऊँ ये फोर चैम्बर्स थे हमारे इट इज़ लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल ओके स्टूडेंट तो हमने देखा था जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ओटा अराइज होती है ठीक है और सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाता है डिफरेंट आर्ट्रीज में होता हुआ फिर बॉडी पार्ट में तो हर्ट से कहा गया बॉडी पार्ट में कहां से ऑरिजिनेट हुई लेफ्ट वेंट्रिकल से अब बॉडी पार्ट से जो वेन है देन फिर वेना कावा तो वेना कावा इस सारे ब्लड को कैरी करेगी और कहा ले आएगी हमारे राइट ऑरिकल में तो कहाँ से गया लेफ्ट वेंट्रिकल से और कहाँ पे आया ब्लड राइट ऑरिकल में थ्रू द बॉडी और कहाँ किसके थ्रू गया बॉडी पार्ट से होता हुआ गया ये ब्लड ये कौन सा सर्कुलेशन हुआ इट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन ओके नेक्स्ट वन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा स्टूडेंट्स जब ये ब्लड हमारा राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आया और राइट वेंट्रिकल से फिर ये कहाँ गया था स्टूडेंट लंग्स में गया था फॉर ऑक्सीजनेशन किसके थ्रू गया था पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ठीक है तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये सारा जो ब्लड है ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लंग्स में गया है और लंग्स से फिर कहाँ आ रहा है ये पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट ऑरिकल में आ रहा है तो हार्ट से लंग्स में देन लंग्स से अगेन हार्ट में सो इन दिस ब्लड कंप्लीट इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट हो रहा है टू द लेफ्ट ऑरिकल कहाँ तक हो रहा है ये लेफ्ट ऑरिकल तक थ्रू द लंग्स किसके थ्रू हो रहा है लंग्स के थ्रू तो ये पूरा सर्कुल जो हमारा हार्ट से लंग्स में और लंग्स से फिर हार्ट में हुआ इट इज़ कॉल्ड पलमोनरी सर्कुलेशन ओके स्टूडेंट सो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है और ये डबल सर्कुलेशन होता है जिसको हम पलमोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में डिवाइड करते हैं ओके स्टूडेंट सो स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया नाउ लेट समाइवेट सो स्टूडेंट वी डिस्कस ह्यूमन हार्ट हैज़ फोर चैम्बर अपर टू चैम्बर्स ऑरिकल एंड लोअर two chambers ventricle so we started from right auricle so all deoxygenated blood from body through inferior and superior vena cava comes into right auricle and from coronary sinus deoxygenated blood from heart muscles comes into राइट right औरकल तो थ्री ओपनिंग होती है राइट right ऑरिकल में इन्फीरियर वेना कावा सुपीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस कोरोनरी साइनस हर्ट की मसल से लेके आती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को और जो इन्फीरियर और सुपीरियर वेना कावा है सुपीरियर वेना कावा अपर बॉडी पार्ट से और इन्फीरियर वेना कावा लोअर बॉडी पार्ट से डिऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करके कहाँ लाती है राइट औरकल में लाती है राइट औरकल एक्सपेंड होता है और इस ब्लड को कलेक्ट कर लेता है देन इट गेट कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्राइकस्पिट वॉल्वल ओपन होता है ट्राइक वाल्व ओपन होता है एंड ब्लड गोज इंटू राइट्रिकल ऑल द डीटेड ब्लड इंटू राइट्रिकल ओके स्टूडेंट राइट गेट कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल द डीनेटेड ब्लड थ्रू पलमोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व गोज इंटू पलमोनरी आर्ट्री एंड थ्रू पलमोनरी आर्ट्री दिस ब्लड गोज इंटू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन तो पलमोनरी आर्ट्री के थ्रू कहाँ गया यह ब्लड लंग्स में गया ताकि वहां पर क्या होगा इसका ऑक्सीजनेशन आफ्टर ऑक्सीजिनेशन दिस ऑक्सीजिनेटेड ब्लड थ्रू पलमोनरी वेन कम्स इन टू लेफ्ट ऑरिकल कहाँ आ जाएगा ये लेफ्ट ऑरिकल में आ जाएगा एक्सपेंड होगा लेफ्ट ऑरिकल और सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर लेगा देन लेफ्ट ऑरिकल गेट कॉन्ट्रैक्ट बाई कस्पिट वॉल्व विल ओपन एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज इन लेफ्ट वेंट्रिकल फ्टर इट लेफ्ट वेंट्रिकल गेट कॉन्ट्रेक्ट बाइक विल गेट क्लोज वो क्लोज हो जाएगा और हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड आउटिकेमिल्यूनर वॉल्व विल ओपन एंड ऑल द ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज इन टू आउटा दैट इज दिग बिगेस्ट आर्टी इन अवर बॉडी एंड आउटा विल डिवाइडेड इन टू डिफरेंट आर्ट्रीज एंड सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू वेरियस बॉडी पार्ट्स ओके स्टूडेंट तो ये पूरा हमारा सिस्टम होता है बॉडी पार्ट्स के अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो सेलुलर एस्परेशन में यूज अप होगी और फर्दर डिऑक्सीजेड ब्लड जो प्रोड्यूस होगा उसको वेंस में कैरी किया जाएगा वेंस से वो वेना कावा में ज्वाइन होगी और वेना कावा उसको अगेन हमारे राइट औरल में ले आएंगी ओके तो ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है एंड इट इज डबल सर्कुलेशन बिकॉज ब्लड कम्स इन टू हार्ट टू टाइम्स इन वन

सर्कुलेशन ओके स्टूडेंट सो स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया इसको अच्छे से लर्न करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन तब तक इसको लर्न करते रहेंगे थैंक यू